Hey guys, what is up? Welcome back. और आज हम बात कर रहे हैं AR glasses के बारे में. और अभी अभी Oppo Inno Day है, उन्होंने अभी उसमें Oppo के AR glasses हैं उसको अनाउंस किया है. अब ये जो Oppo Inno Day रहता है, इसमें ये बेसिकली अपने फ्यूचर जो कॉन्सेप्ट्स जो भी डिवाइसेस रहते हैं उनको ये शोकेस करते हैं. उसमें उन्होंने अपना एक फ़ोन भी शोकेस किया था, फोल्डेबल नहीं मतलब स्लाइडेबल, तो वैसा एक उन्होंने फ़ोन शोकेस किया. लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बात करेंगे यहाँ पर Oppo के AR ग्लासेस के बारे में. Oppo AR ग्लासेस के ये सेकेंड जनरेशन AR ग्लासेस है. उन्होंने बताया कि 2021 वर्जन है. अब पहले वाला वर्जन कब आया था मेरे को सच में नो आइडिया, बिकॉज इस तरह के जो Oppo के AR ग्लासेस थे वो मेरे को लगता है ऐसे ही Inno Day में उन्होंने शोकेस किया होगा और उसके बाद उसका कोई देखने को नहीं मिला है. तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करने के लिए यहाँ पर AR ग्लासेस के बारे में बताया है. यहाँ पर जो भी मैं अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, जो भी नंबर्स और उन्होंने जो परसेंटेज वगैरह बताई है, तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि 75% लाइटर है, 40% यहाँ पर GPU और CPU आपको बेटर जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और जो भी प्रोसेसिंग पावर रहेगी, उन्होंने ये जरूर बताया था कि जो भी प्रोसेसिंग पावर होगी वो आपके फ़ोन के थ्रू होगा, केबल के थ्रू, USB-C के थ्रू. तो GPU और CPU परफॉर्मेंस आपके फ़ोन की होगी. ये AR ग्लासेस में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे इफेक्ट पड़ेगा, उन्होंने बताया 40%, पता नहीं मार क्यों कैसे. तो उसके बाद उन्होंने बताया था, जैसे मैं बता चुका हूँ, कनेक्ट आपके फ़ोन के थ्रू होंगे. उसके अलावा इन्होंने बर्ड बाथ टेक्नोलॉजी का एक उन्होंने बताया. और ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली एक तरह से मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये आपके डिस्प्ले की जो भी क्वालिटी रहती है, कॉन्ट्रास्ट रेशो है, ब्राइटनेस है, उसको थोड़ा सा और बेटर करता है. तो उन्होंने बताया इसमें बर्ड बाथ टेक्नोलॉजी है, इसे यूज़ किया है और इस वजह से यहाँ पर आपको 53% कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलेगा, 93% ब्राइटनेस की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी बेटर रहेगी, और 40% आपका FOV यानी कि फील्ड ऑफ व्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा. और ये जो नंबर्स हैं ये किससे कंपेयर करें, उन्होंने अपने पहले वाले जो Oppo ग्लास पहले वाला वर्जन था उससे कंपेयर किया है, तो वो परसेंटेज उन्होंने बताई है. उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया कि 90 इंच तक का आप डिस्प्ले, जैसे अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो 90 इंच तक का आप डिस्प्ले उस पर इंजॉय कर पाओगे 3 मीटर के डिस्टेंस पे. अब ये एक मार्केटिंग गिमिक है, सीधी सीधी बात है, 90 इंच का आप मेरे ख्याल से 3 मीटर कितना होता है, 9 फीट. तो आप 90 इंच का अगर कोई टीवी देखना चाहते हो, मेरे ख्याल से 9 फीट से तो थोड़ा ज़्यादा ही दूर से देखोगे आप. और यहाँ पर उन्होंने ये बताया, FOV का कोई नंबर नहीं बताया कितने डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 90 डिग्री तक आप मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर पाओगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो AR ग्लासेस हैं इसमें आप मीडिया कंजम्पशन है आप इसमें देख पाओगे. और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं वो आपके इनबिल्ड हैं. और एक और चीज़ की इसमें उन्होंने बताया है कि हैंड ट्रैकिंग जो रहेगी वो यहाँ पर उन्होंने कुछ प्री डिफाइंड जेस्चर होंगे जिसकी मदद से जो भी आप AR जो वर्ल्ड रहेगा उससे इंटरेक्ट कर पाओगे. अब Oculus है, जैसे यार अपने Oculus Quest 1 और 2 दोनों में अपने जो हैंड ट्रैकिंग है उसे यूज़ करता है और काफ़ी अच्छे से करता है, तो यहाँ पर उसी तरह की टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, जो कि अच्छी बात है. कितना रियल वर्ल्ड में कितना अच्छा है वो ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा. उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ नया नहीं है इस AR ग्लास में, Oppo AR ग्लासेस 2021 में, और वो है कि इसमें आपको जो ट्रैकिंग के लिए यानी कि रियल वर्ल्ड जो मैपिंग रहेगी उसके लिए यहाँ पर कैमराज इंक्लूडेड हैं, यानी कि फिर 2 फिश आई लेंस हैं, 2 2F लेंसेज हैं. 2F जिसको नहीं पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में भी आपको उसी तरह का कैमरा मिलता है, तो वो जो लेंसेज यहाँ पर इंक्लूडेड हैं आपके जो रियल वर्ल्ड मैपिंग में हेल्प जो करेगा. अगर आपको नहीं पता होगा तो गूगल जो ग्लास थे उसमें भी यहाँ पर कैमराज थे, और बहुत सारे लोगों को कंसर्न था कि गूगल ग्लास में जो कैमरा ऐसा है वो प्राइवेसी इशूज़ को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं. तो यहाँ पर भी आपको ग्लासेज में, मतलब AR ग्लासेज में आपको ये कैमराज दिए गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो प्राइवेसी जिनको कंसर्न रहता है उनको अभी भी वही कंसर्न रहने वाला है. तो AR ग्लासेस में जब तक कैमराज रहेंगे मेरे को लगता है कि वो काम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, और बहुत सारे लोगों को प्राइवेसी इश्यूज़ रहेंगे. अब एप्पल जो अपने जो भी सुनने में आ रहा है, जो भी एप्पल AR ग्लासेस जो रहेंगे उसमें आपको कैमराज नहीं मिलेंगे, उसमें आपको LiDAR सेंसर होगा जो उन्होंने अपने iPad और iPhone दोनों में यूज़ किया है, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेटर वे फॉरवर्ड है क्योंकि उसमें आपको कैमराज नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा अडॉप्टेबल है, बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट करेंगे. और ऑब्वियसली जब एप्पल लॉन्च करेगा, अभी नहीं, जब भी 2021, 2022, 2023 में जब भी लॉन्च करेगा, उसके बाद ही मुझे लगता है कि इस तरह की AR ग्लासेस हैं थोड़े से और मेन स्ट्रीम होंगे, जो भी नॉर्मल कंज्यूमर उसे अडॉप्ट करने के लिए मेरे को लगता है आगे आएगा. तो ये तो बात हुई यार इसकी स्पेसिफिकेशन की और नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, लेकिन ये आएंगे कब, जैसे इस पर नाम पे भी लिखा हुआ है 2021, तो ये अभी आने वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट है. आपको जो उन्होंने खुद ही बोला Oppo वालों ने कि नेक्स्ट ईयर के
फर्स्ट हाफ में ये एक डेवलपर प्रोग्राम चालू होगा। अब डेवलपर बहुत क्रूशल रहते हैं किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट में, तो वो जब तक इस तरह इसके लिए एप्लीकेशंस नहीं बनाएंगे, इसके लिए जो कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे, तो नॉर्मल कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो उससे पहले डेवलपर्स का प्रोग्राम चालू होगा नेक्स्ट ईयर मिड में, और एंड तक जाके वो पार्टनरशिप वगैरह जो भी बाकी उनके रहेंगे, तो कंज्यूमर के हाथ में ये शायद एंड तक 2021 के एंड तक आएगा, और जब तक मुझे लगता है कि आपको थोड़े और चेंजेस देखने को मिले। तो ओवरऑल ये तो थे यार ओप्पो के AR ग्लासेस 2021। डिज़ाइन काफ़ी सही है, दिखने में एकदम काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, एकदम गॉगल्स की तरह लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो AR ग्लासेस में आपको कैमराज जब तक मिल रहे हैं जब तक वो इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, और नॉर्मल लोग उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये मेरा कहना है, आपका कहना क्या है आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह का AR VR रिलेटेड कंटेंट अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा।